साथ है खबर पर नजर चैनल में। हमारे सभी अतिथियों को नमस्कार। मेरे छोटे बच्चों का जन्मदिन है तो सर्वप्रथम सभी अतिथि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उपसंचालक अंशु स्वामी परमानंद जी गिरी जी महाराज द्वारा संचालित श्री युग पुरुष धाम बौद्धिक विकास केंद्र पंचकुया रोड में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 27 जुलाई को सुबह 10 बजे से परम पूज्य सद्गुरुदेव के साथ साथ दर्शन करने सभी बच्चे खंडवा रोड स्थित अखंड धाम आश्रम में गए। वहां पर परम पूज्य सद्गुरुदेव की गुरु पूजा की एवं आरती करने के पश्चात सब बच्चों ने एक साथ जन्मदिन मनाया। इसी दिन प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा का भी जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जो हर वर्ष बच्चों के साथ मनाती हैं। साथ ही हर वर्ष इसी दिन पूर्णिमा महोत्सव के साथ वृक्षारोपण हरियाली महोत्सव के तहत लगाए गए सामाजिक न्याय विभाग एवं महिला बाल विकास रामनिवास बाल कल्याण समिति अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल, सदस्य संगीता चौधरी, बाल संरक्षण अधिकारी भगवान दास साहू, अविनाश यादव, सैलन सोलंकी, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं गुरु परिवार उपस्थित रहे। सब बच्चों ने मिलकर केक काटा और आशीर्वाद दिया या और वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर श्री स्वामी परमानंद हॉस्पिटल के संचालक जीडी नागर, संस्था अध्यक्ष जानवी पवन ठाकुर व सचिव तुलसी धनराज साजिदा ने आभार माना। आपके कौन है? शिल्पा, शिल्पा तेरी भी दिया है गुरुदेव, एक एक बच्चे को एक एक मार। बालकों का, बच्चियों का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है सद्गुरुदेव के सरकारों द्वारा। बहन से निवेदन, आज के आनंद की हम सब पर कृपा बरसी रहे गुरुदेव की। हम ये दिव्यांग बच्चे आपकी शरण में हैं, आज ऐसी कृपा दृष्टि कर दो उनका आनंद हो जाए। भैया आपका मोबाइल वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भगवान की जय। दादा आपको सतगुरु।
भगवान की जय। मैडम नीचे से निकाल देंगे भगवान की। आप सर अधिकारी आए ना, मैडम जी आए, कौन जी सर आए ना, मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल दो भैया, विष्णु भगवान दो हाथ आपके भी लगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री, एक तरफ से नहीं यार, तुम बिल्कुल विष्णु नाम तुम्हारा है, आप करिए अच्छा डाल दीजिए, वो तो सब करते रहे, फोटो ले लेंगे आश्रम वालों का, आपको लंबा जीवन प्रदान करे, और ऑक्सीजन वाला पौधा वो है पीपल, मेरे पास है गुरुदेव, आप भैया ऑक्सीजन दो, साथ बच्चों का नहीं बल्कि बच्चों के साथ मेरा मना है। और सबसे अच्छा ये लगा इन्हीं दिव्यांग बच्चियों में जो छोटी हैं उनके पालने के लिए उन्हें माँ बना दिया, तो जो संघर्ष करती थी वो माँ बनने के कारण वो प्यार करने लगी, माने उनमें भी मातृभाव जगाया गया है, ये बहुत अपूर्व बात है। और मुझे लगता है जिस ईमानदारी के साथ बच्चों का काम तुलसी शादीजा और ये अनीता मैडम और ये सब सहयोगी लगे हैं, जैसे अपने बच्चों को भी, बल्कि कभी कभी देखा अपने बच्चों से भी पालने वाले उत्साह जाते हैं, पर ये पूर्ण उत्साह से करते हैं, ये बहुत बहुत बधाई के पास। ये मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं, इनकी जिस तरह से सेवा की जा रही है, मतलब सभी दूर एक प्रसिद्धि पा चुका है अखंड परम धाम परमानंद आश्रम, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अच्छी बात है, प्रसिद्धि मिल गई, पर प्रसिद्धि के लिए कर नहीं रहे, पर प्रसिद्धि तो अच्छे काम से फिर आ जाती है पीछे पीछे। आज इनको आशीर्वाद दे रहा था, पहले तो इन बच्चों को जन्मदिन की बधाई है, और दिनों दिन ये और योग्य होंगे, इनमें से कई बच्चों को हमने सुना ओलंपिक भेजे गए हैं, ये और अच्छी बात है, तो इसी तरह इन बच्चों में इन दिव्यांग से कई अच्छे स्कूलों में भेज दिए जाते हैं, तो ये विकास भी हो रहा है। और ये तो हमने कई बार कहा कि बुद्धिमान बच्चों से दिव्यांग बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि बुद्धिमान बच्चों को माँ चाहे भी तो यहाँ नहीं भेज सकती, इनके कहे पे नहीं आते, पर ये दिव्यांग हैं, घर वालों ने भेज दिया तो यहाँ आ गए और अच्छी जगह भला होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छे संस्कार भी मिल रहे हैं, इनकी उचित व्यवस्था भी हो रही है, और जितनी व्यवस्था कई बार अपने घर के लोगों की नहीं करते ये कर रहे हैं, ये संस्था के लोग भी बधाई के पात्र हैं। और आपका भी जन्मदिन बच्चों के साथ ही मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? परम पूज्य सद्गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री उपरोज धाम में पिछले 13 वर्षों से जिस दिन हमारी गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है वो योग है कि उस समय मेरा भी जन्मदिन आता है 27 जुलाई, तो जितने बच्चे उस समय संस्था में रहते सभी के केक आते, सभी के जन्मदिन एक साथ मनाते, बच्चों का उत्साह देखने लायक था। आज मुझे खुशी हुई कि सुबह 5 बच्चे तैयारी कर रहे थे कि गुरुदेव के दर्शन करना है, गुरु पूजा करना है, और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे बड़े सर तुलसी धनराज साधीजा जी से कहूँगी कि उन्होंने कभी हमें इस काम के लिए रोका नहीं, चाहे दिवाली हो, होली हो, राखी हो, कोई भी त्यौहार हमारे यहाँ जिस उत्साह से मनाते हैं उसका कारण ये है कि हमें बहुत स्वतंत्रता है, हमें सिर्फ बोलना है कि बड़े सर ये करना है और हमें तुरंत उसकी आज्ञा मिलती है, तो परम पूज्य सद्गुरुदेव का आशीर्वाद इस संस्था पर हमेशा बना रहे। मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, श्री उपरोज धाम की प्राचार्य। आज जो ये पूरा आयोजन हुआ है, क्या क्या संदेश आपकी ओर से सभी के लिए? सर्वप्रथम सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये जो हमने आज का आयोजन किया है इसके पीछे एक मूल उद्देश्य ये है कि आप और मुझे तो मालूम है कि गुरु क्या है, गुरु की पूजा क्या है, परंतु ये जो हमारे देव स्वरूप बच्चे हैं जो स्वयं अपने आप में परमात्मा स्वरूप हैं, इन्हें भी अधिकार है गुरु पूजा करने का, तो हमने एक मौका ढूंढा गुरु पूजा करने के लिए, और योग सहयोग ऐसा बैठा कि उन्हीं इसी दौरान के अंदर हमारी जो दिव्यांग बच्चों को संभालने वाली माँ है उसका जन्म आता है, जन्म उस दिन तिथि आती है, तो हमने उस तिथि को इन बच्चों की तिथि के साथ जोड़ के गुरुदेव के श्री चरणों में लाके एक तरफ से गुरु पूजा भी करा ली और इन बच्चों का जन्म उत्सव मना के इनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। आपका परिचय? मैं श्री युगपुर धाम से तुलसी धनराज शादीजा सचिव। उत्सव मनाया गया है, 200 बच्चों दिव्यांग बच्चों के जन्मदिन को मनाते हैं और जन्मदिन मनाया गया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे?
युग पुरुष धाम के जो 208 बच्चे हैं उन सबको और उनके साथ ही अनीता मैडम को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी ने मिलकर जन्मदिन को अच्छे से मनाया है। युग पुरुष धाम के मामले में ये कहना चाहूँगी कि मेरा अपना जो व्यक्तिगत मत है कि हम लोग जब सारी सुख सुविधा में रहते हैं, सांसारिक सुख सुविधा में रहते हैं, तो हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता है, लेकिन जहाँ किसी चीज़ का अभाव होता है तब हमें लगता है कि इन बच्चों की तरफ भी देखें। आज जब इन बच्चों की तरफ हम देखते हैं तो हमें एक नया रास्ता, एक सद्मार्ग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह भी है कि हम लोग चाहे कितनी भी सुख सुविधा में रहें, हमको बच्चों की तरफ देखना है, बच्चों की सेवा करना है। वास्तव में जो बच्चे हैं वो हमें सत्कर्म की ओर बढ़ा रहे हैं। अगर हम किताबों में पढ़ते हैं तो इतना जल्दी हम किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन हम प्रैक्टिकली यहाँ पर जब संस्था में आते हैं और बच्चों की विभिन्न परिस्थितियों को देखते हैं तो हम उनके लिए जो सेवा करते हैं वास्तव में हम खुद की सेवा करते हैं। मेरा मानना है कि जो हमने पिछले कर्म किए हैं उस हिसाब से हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। अगर हम इस दुनिया में इन बच्चों की सेवा करते हैं तो हमारा आने वाला जो जन्म है वो सुध रहेगा। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अंशु मसीह, मैं उपसंचालक महिला बाल विकास। क्या जो जन्मोत्सव मनाया गया है इस अवसर पर वृक्षारोपण भी यहाँ पर अखंड परम धाम में किया गया, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी आज जो 208 बच्चों के और अनीता मैडम के जो जन्मदिन मनाए और सदगुरु परमानंद के यहाँ उनके आशीर्वाद से हम लोग सभी इकट्ठे हुए, उनके सानिध्य में रहे जो कि बहुत अच्छा है। उनके द्वारा ही बताया गया है कि मानव धर्म ही ईश्वर की सेवा होती है, तो ये धर्म को मानते हुए हम लोग ने इन बच्चों की सेवा करते हुए और आज हम हरियाली महोत्सव के अंतर्गत में ही कल जो यहाँ पे जिला स्तरीय हरियाली महोत्सव मनाया जाएगा वो आज ही हम लोग ने शुभारंभ कर दिया और हम सदगुरु के सानिध्य में रह करके हम यहाँ पे वृक्षारोपण किए, नशा मुक्ति को लेकर भी कुछ। और आज हमारे जो भारत देश, पूरे देश में भारत मुक्त नशा मुक्त भारत अभियान चलाया है, उसके अंतर्गत में भी हमने यहाँ पे जितने भी लोग थे उनको एक संदेश दिए कि अपने आप को नशे से दूर रखें और भारत को नशा मुक्त बनाएं। आपका परिचय? मैं श्रीमती सुचिता तिर्की संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग। बच्चों का जन्मदिन मनाया जा रहा है और आप यहाँ पर आए हैं विशेष अतिथि के तौर पर, भी यहाँ पर गुरु महाराज भी आए, कैसा लग रहा है आपको बताया? आज हमारा परम सौभाग्य है कि गुरु जी का आज हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और इन सब बच्चों की जो माँ है अनीता शर्मा जी, उनका जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन आज 27 जुलाई को हम सभी बच्चों के जन्मदिन के रूप में मनाती है। वो अपने जन्मदिन से महत्वपूर्ण इन बच्चों का जन्मदिन मानती है और इन बच्चों की तन मन धन से सेवा करती है। ऐसी माँ अनीता शर्मा मैम को बहुत बहुत बधाई और सभी बच्चों को बधाई और गुरु जी के आगमन से हम सब धन्य हुए, हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बाल कल्याण समिति पूरे तन मन धन से बच्चों की सेवा के लिए तत्पर है और हमारा जितना भी कार्य है हम बच्चों के लिए जितना अच्छा हो सकेगा वो कार्य करेंगे। आपका नाम बताएं? पल्लवी पूर्वल, अध्यक्ष जिला।